गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। कि अगर आप गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो उसके लिए जो कि कौन सा बैंक अकाउंट है जो कि आपको ओपन करना होगा। हर बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पाएगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए जो कि बता देते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके का जो कि अगर आप ऑनलाइन अगर आप गूगल से या यूट्यूब से अगर आप अर्निंग करते हैं तो उसका जो कि जो भी पेमेंट होता है वो जो कि गूगल एडसेंस में आता है। अब गूगल एडसेंस है जो कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो उसके लिए जो कि आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तो मेरा जो कि यूट्यूब का जो कि पेमेंट आया है गूगल एडसेंस में, तो कई बार है जो कि काफी टाइम से जो कि आ रहा था, लगभग 2-3 पेमेंट जब आ गया जो बैंक ब्रांच से जो है वहां से जो कि हमें काफी बार जो कि कॉन्टेक्ट किया गया, बोला गया कि आपको इस तरीके के इंटरनेशनली पेमेंट के लिए आपको करेंट अकाउंट ओपन करना होगा। तो मेरे पास तो करेंट अकाउंट है नहीं, करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए और भी झमेला है, ठीक है। तो उसके लिए जो कि हमको एक बैंक अकाउंट चाहिए। अब बैंक अकाउंट किस बैंक में चाहिए? जिस बैंक में स्विफ्ट कोड हो और IFSC कोड का व्यवस्था हो या वहां पे अवेलेबल हो, वही बैंक का बैंक अकाउंट है जो कि आपके गूगल एडसेंस में काम करेगा। फिर ये जो कि हम SBI में गए हैं 2-3 ब्रांच में, वहां पे जो कि पता किए, तो फिर जहां पे जो कि ये दोनों चीज अवेलेबल था, स्विफ्ट कोड और IFSC कोड, ये दोनों कोड जहां पे अवेलेबल था वहां पे जाकर के हम एक बैंक अकाउंट ओपन किए। अब उस बैंक अकाउंट पे जो कि ला करके हम अपने गूगल एडसेंस में ऐड करेंगे। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर ले, जो भी नए लोग आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो और यूजफुल वीडियो आपके लिए यहां पे आते रहता है। गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और यहां पे हम लोग टाइप करेंगे एडसेंस, सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जिस ईमेल आईडी से आपका गूगल एडसेंस बना हुआ उससे जो कि आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीका का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट पेमेंट है जो कि $100+ का हुआ और यहाँ पे अभी बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है $133, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद पेमेंट इन्फो पे क्लिक करेंगे, वेट करना होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो कि देख सकते हैं आपका बैलेंस जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि मैनेज पेमेंट मेथड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो कि ऑलरेडी पहले से जो कि एक बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ जो HDFC का है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 पेमेंट आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को न्यू बैंक अकाउंट है जो कि ऐड करना है, वो जो कि SBI का है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कि ऐड पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक करेंगे और ये एक नया इस तरीके के पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी आईडी डालना है, नेम डालना है, बैंक का नेम डालना है, यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है, स्विफ्ट कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे जो कि री बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेट ए प्राइमरी पेमेंट मेथड, इसको आपको सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है, ठीक है। तो इसे जो कि फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेम फिल कर देते हैं, यहाँ पे जो कि बैंक नेम डाल लेते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो कि IFSC कोड डाल लेते हैं, और यहाँ पे जो कि आपको स्विफ्ट कोड डालना है, तो यहाँ पे जो कि हम पटना बिहार का जो कि स्विफ्ट कोड डाल लेते हैं, स्विफ्ट कोड है, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे आने के बाद आपको अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेट ए प्राइमरी पेमेंट मेथड, ये आपको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, वेट करना होगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अकाउंट है जो कि ऐड हो चुका है और किस बैंक अकाउंट में जो कि आपका पेमेंट आएगा, ये चीज है जो कि अगर आप कन्फर्म करना चाहते हैं तो ये आपको देखना है कि जिस भी बैंक अकाउंट में आप पेमेंट डालना चाहते हैं या आप मंगाना चाहते हैं उसमें जो कि जो भी आप ऐड किए हैं जिसमें आपको पेमेंट मंगाना है उसमें जो कि प्राइमरी होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी है, इससे पहले जो कि उस टाइम पे यहाँ पे जो कि प्राइमरी था, ठीक है। अगर हम चाहें तो फिर इसे जो कि प्राइमरी बनाएंगे, मगर अभी हम इसे प्राइमरी नहीं बनाएंगे, प्राइमरी इसे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप यहाँ से फिर से जो कि वापस आ जाइए अपना पेमेंट इन्फो पे, वो होम पेज पे यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। फिर से जो कि आप यहाँ पे अगर आपको चेक करना फिर से कि वो सेव हुआ कि ना, रीचेक करने के लिए फिर से जो कि आपको मैनेज पेमेंट मेथड, इस पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद देख लेना आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर मिला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा है, तो ये ठीक है 57 है लास्ट में, प्राइमरी है, ये मेरा परफेक्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो कि आप अपना बैंक अकाउंट मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, मगर हम अभी रहने देते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी कुछ है जो कि सीखने को मिला होगा, आप किस तरीके से जो कि बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आते रहता है।